सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो हर बार की तरह इस बार भी मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई ये चैप्टर तो ऑसम था और पिछले चैप्टर से बहुत बढ़िया था। अब क्योंकि ये फाइनल आर्क है तो तबाता डेफिनेटली इसे बहुत ही एपिक स्टार्ट देना चाहते हैं और वो इसमें कामयाब होते भी दिख रहे हैं। चैप्टर 332 जो कि 3 महीने बाद आया था और फाइनल आर्क का फर्स्ट चैप्टर था, उसमें हमें एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सब मिला और अब शायद से ब्लैक क्लोवर के चैप्टर्स अपने थीम को फॉलो कर रहे हैं जो है अपनी लिमिट्स को सरपास करना। चैप्टर 332 की एंडिंग ने चैप्टर 331 की एंडिंग को सरपास किया और इस बार चैप्टर 333 ने ना सिर्फ चैप्टर 332 की एंडिंग को सरपास किया बल्कि पुराने चैप्टर्स को भी सरपास कर दिया। और फाइनली हमें कंफर्मेशन मिला कि आखिर जूलियस और लुसियस का ये चक्कर क्या है, आखिर दोनों में से कौन रियल है। वैसे जब 3 महीने पहले चैप्टर 331 आया था तब मैंने एक थ्योरी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे जूलियस और लुसियस का केस बिल्कुल पैट्री और विलियम जैसा है और जूलियस के अंदर भी 2 सॉल्स हैं। और फाइनली चैप्टर 333 ने मेरी यह थ्योरी करेक्ट साबित कर दी। वैसे जब खुद की बनाई कोई थ्योरी सही जाए तो उसकी खुशी ही अलग होती है। खैर चैप्टर 333 में ना हमें सिर्फ जूलियस और लुसियस के सॉल को लेकर कन्फर्मेशन मिला बल्कि हमें लुसियस के माइंडसेट और साथ ही एस्टरॉड से रिलेटेड भी थोड़ा कुछ देखने को मिला है। और मे बी एस्टरॉड जो हमें दिखता है वैसा शायद है नहीं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दो और वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट करना मत भूलना। और अब इसी के साथ और बकवास ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चैप्टर की शुरुआत होती है लुसियस सोक्रेटिस के फ्लैशबैक से, जहां हमें इसके पास्ट के कुछ झलके देखने को मिलती है। इसमें हम डार्क ट्राइड को भी देख सकते हैं जब वो बच्चे थे। लुसियस का जन्म एक ऐसी फैमिली में हुआ जिसमें डेविल होस्ट हुआ करते हैं और लुसियस यूनिक इसलिए था क्योंकि उसकी बॉडी एक ही थी पर उसमें 2 सॉल्स थे, एक लुसियस और दूसरा जूलियस। लुसियस बहुत सोचता था कि वो दोनों आखिर क्या हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। उसे एक स्टोन टैबलेट का पता चला जिसके मुताबिक अगर वो सुप्रीम डेविल ऑफ टाइम एस्टरॉथ को फॉलो करता है तो उसे अपने सभी सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इसके बाद फ्लैशबैक एंड होता है और हमें जूलियस और लुसियस की इनर कन्वर्जेशन देखने को मिलती है और कन्वर्जेशन को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे जूलियस को लुसियस के बारे में पहले से ही पता था। खैर हम देखते हैं कि लुसियस जूलियस से कह रहा होता है कि वो फ्यूचर देख चुका है, उसे ट्रू पीस के बारे में ऑलरेडी पता है और उसे यह भी पता है कि जूलियस उसे रोकने की कोशिश करेगा, जबकि जूलियस को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह शुरू से ही लुसियस के सबसे करीब रहा है। तभी लुसियस जूलियस के सर के पास उंगली ले जाता है बिल्कुल उसी तरह जैसे वो डोमांटियो के साथ करता है। लुसियस कहता है कोई बात नहीं जूलियस, मैं पहले से ही सब देख चुका हूँ। इसके बाद दोनों की कन्वर्जेशन एंड होती है और हम आस्था को देखते हैं जो कि लुसियस को देखता है। नेरो, नोयले और मेमोसा भी लुसियस को देखती हैं और उसे विफाइट किंग समझती हैं। आस्था भी यही समझता है पर उसे महसूस हो जाता है कि यह जूलियस नहीं है। वो लुसियस की को समझ जाता है और कहता है कि तुम विफाइट किंग नहीं हो, कौन हो तुम। तभी लुसियस टाइम मैजिक का यूज़ करके सबके लिए टाइम रोक देता है सिवाय आस्था और उसके। और यहाँ हम वही कवरलेस ग्रीमर देख सकते हैं जो कि जूलियस के टाइम मैजिक यूज़ करते वक्त होती है। लुसियस आस्था के साथ भी वही करने वाला होता है जो उसने जूलियस और डोमांटो के साथ किया था, पर तभी आस्था अपने ब्लैक फॉर्म में चला जाता है और लुसियस तुरंत पीछे हट जाता है। लुसियस आस्था के ब्लैक फॉर्म को देखकर कहता है तो यह है एंटी मैजिक जो सभी लॉज को रिजेक्ट करता है, रीजंस को रिजेक्ट करता है। आस्था देखता है कि उसे और लिबे को छोड़कर बाकी सब फ्रीज हो चुके हैं। अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्यों आस्था और लिबे पर टाइम मैजिक का इफेक्ट नहीं हुआ। फर्स्ट, या तो लुसियस ने जानबूझकर ऐसा किया हो, या सेकंड, लुसियस का टाइम मैजिक का असर आस्था पर हुआ ही ना हो। लुसिफेरो के साथ बैटल के टाइम से आस्था की बॉडी अब पूरी तरह से बदल गई है, अब आस्था पर कोई स्पेल काम नहीं करती। हमने देखा है जब मिमोसा आस्था पर हीलिंग मैजिक का यूज़ करती है तो मिमोसा की स्पेल आस्था पर काम नहीं करती बिकॉज ऑफ एंटी मैजिक। जब नास्ट और यामी कॉम्बो स्पेल किड्स प्लेग्राउंड का यूज़ करते हैं तब भी वो फुल्ली उसका यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि आस्था का एंटी मैजिक इंटरप्ट करता है। तो यहाँ डेफिनेटली सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है, वरना लुसियस आस्था के पास नहीं जाता। हो सकता है लुसियस ट्राई कर रहा हो कि क्या आस्था पर टाइम मैजिक काम करेगा या नहीं। खैर बैक टू द चैप्टर, आस्था टाइम मैजिक देखकर कहता है कि यह विजार्ड किंग का मैजिक है पर एक बड़े स्केल पर। लुसियस कहता है कि उसने लुसिफेरो को अपने अंदर समा लिया है। आस्था फिर लुसिफेरो की को महसूस करता है। आस्था कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम इंसान हो पर इंसान नहीं, तुम विफाइट किंग जूलियस हो पर नहीं भी हो, तो तुम हो कौन और तुमने विफाइट किंग के साथ क्या किया है। लुसियस कहता है मैं लुसियस जोक्रेटिस हूँ, इस दुनिया का सेवियर और जूलियस मर चुका है। यह सुनकर आस्था शॉक हो जाता है। लुसियस कहता है कि जूलियस एक मिशन पर था, अब से कोई दुख दर्द लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, अब बस ट्रू पीस होगी।
मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं पूरी इंसानियत को मिटाकर उन्हें अपने सिबलिंग के मैजिक से दोबारा जिंदा करूंगा और उन्हें खुश और इक्वल बनाऊंगा और ध्यान रखूंगा कि आगे से कभी भी कुछ गलत ना जाए। एक आखिरी विजार्ड किंग के रूप में आस्था समझ नहीं पा रहा होता है कि लूसियस बोल क्या रहा है। लूसियस कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ वैसा ही जा रहा है जैसा मैंने देखा था, सिवाय एक चीज के, जो हो तुम। किसी को भी इस दुनिया में बिना मैजिक के जन्म नहीं लेना चाहिए, इसलिए तुम इस दुनिया के फ्लो हो, गलती हो, और एक सही फ्यूचर क्रिएट करने के लिए मुझे तुम्हें हटाना होगा। आस्था ये सब सुनकर कहता है कि मैं समझ गया हूँ, तुम किसे गलती कह रहे हो। तुम एक बुरे व्यक्ति हो जिसने विजार्ड किंग की बॉडी पर कब्जा कर लिया है। तुम पूरी इंसानियत को मिटा देना चाहते हो, जबकि विजार्ड किंग ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। हम उसी विजार्ड किंग की इज्जत करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि विजार्ड किंग इतनी आसानी से मर जाए, इसलिए मैं तुम्हें यहीं रोकूंगा और उन्हें बचाऊंगा। तभी लूसियस कहता है कि वह जूलियस से काफ़ी स्ट्रांग है और आस्था फिर सभी लोगों को टाइम मैजिक से रिलीज करता है और डेविल यूनियन मोड में चला जाता है और कहता है कि ऐसा है तो मैं अभी यहीं विजार्ड किंग को सरपास करूंगा। और इसी ज़बरदस्त सीन के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। तो चैप्टर ऑसम था, फाइनली हमें जूलियस और लूसियस की बॉडी का सीक्रेट पता चला और यह भी पता चला कि जूलियस को लूसियस के बारे में पता था। और जैसे कि मैंने अपने प्रेडिक्शन वीडियो में प्रेडिक्ट किया था, हमें अब लूसियस वर्सेस एवरीवन देखने को मिलेगा। वैसे मैं बता दूं कि नेक्स्ट वीक ब्लैक क्लोवर ब्रेक पर रहेगा क्योंकि मैगजीन ब्रेक है, इसलिए सारे मंगास लाइक वन पीस, माय हीरो एकेडमी, ब्लैक क्लोवर, जुजुत्सु काइसन सभी ब्रेक पर होंगे। वैसे तुम्हें यह चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। बाय द वे जल्द ही थ्योरी वीडियो आने वाला है तो मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी सब्सक्राइब करो। तुम में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर बात कर सकते हो, दोनों ही अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन चेक किया करो। सो दैट बीइंग सेड गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।